पैसा बढ़िया सा बाहर संपत्ति बढ़िया साथ ही साथ भीतर संपत्ति बढ़िया उचित। पैसा बढ़ला अरे दया भी बढ़ो, क्षमा भी बढ़ो, करुणा भी बढ़ो, निर्लोभ भी बढ़ो, निर्मोह भी बढ़ो। ये भगवान कहते बरम तो भितर दया क्षमा बढ़ला कि ना से अलग कथा, किंतु बाहर बढ़ू बढ़ू ये सब कमु अहंकार कमु एवं लक्ष्य करिवे ये जो गुण गुड़ाक ठीक है सब नेगेटिव निर्माण निर्मोह ये भल लोक मानक भितर आसे भल अहंकार रहा रही अहंकार गोटे जिनस खराब लोक भितर भी आस लोक भितर भी आस भल मु बहुत भक्त मोठार कई भक्त ना मान माने आपण को माइंड किसी एमती ठक अहंकार आप जापर भजन बोलिए भग जगन्नाथ मंदिर को जाए ठाकुर को देखु देखु आपण हृदय भाव आसला भक्ति आसला सांगे सांगे आपण छाती रे कोह आसला आखि टे जक आसला लुट गए बो पड़ा आपण तक लुचे कर पचिदेवे तो चिपुड़ी बाहर को निगाड़ कर देखे सामने लोक देखे मो आखिर लुह हो देख लु हाँ तो लुह आखिर कौन पड़ा कि जगह को देखु देखु ना मो आखिर लुह आखिर लुह ही पड़ा सब ठाकुर कृपा ये कहूँ सब ठाकुर कृपा तार अर्थ कौन तो आखिर बोला ना हाँ देख मो आखिर बोल मुझे जो भजन बोल थे भाव केत आस से आखिर पा आसला से नाक पट देखिए बोल क्या ये छिद्र अच्छे कनेक्टिविटी सीए से टिके सर कौन शुण सुन आड़ चल भक्त कांदु कांदु हृदय विगलित हो गल आम आम भल पाइबा आम भक्ति की मार्केटिंग करिया चाहे ना मैंने आपण को मैनेजमेंट लांगुएज मुझे बड़ बड़ रही ना मार्केटिंग समस्ते जान मुते बड़ भक्त गुरु गुरु मार्केटिंग करते बड़े गुरु ता मुंडे हाथ रखे सी तक फटोटे उठे थी घर से ही फटोटा बड़ कर ड्रइंग रूम टंगा होगी ना ना समस्त को देखते देख ली हूँ मो गुरु ये गुरु को फटो गुरु को मुंड कटे जाइए हाथ जी मो गुरु मुंड तम से क्या देखा चाहिए गुरु को ना देखी गुरु को कठो को सी मुंडे मुंडे बुझे गुरु सीधे अच्छा जो कठो को मुंडे ये गुरु को कठो को बड़पण देवाई ना निज को बड़पण देवाई मुझे देख ला तार अटेंशन गुरु आड़ को ना फटो से कैमेरा डी चाहिए माने केते बेले जे आम भितरे कौ जनित मान अहम आसीब आपण जानी परिबे नाही भल लोकन को भितरे मध्य अरे शास्त्र रे लिखा छि नारदम को भली मोह आमे तांग सामने रे कम युधिष्ठिर राजांकर पसा प्रति मोह अंगना ना बुझी परछन ना तो ये सब शब्द जो व्यवहार जो तीन चार कहगला ये भल लोक भितर भी आसपार मान मोह ये भल लोक आसपे ये उभय आपड़े द्वैत कि अद्वैत जेकोसी दर्शन को फल करु पर्पस हूँ दुनिया रे काम कला बेले आम भितर को ख्याल रखा उचित जमी शरीर ख्याल रखुचे सेमती मनर ख्याल रखा जरूरी दिन को दिन मो मन पॉजिटिव हो चली ना मो मन नेगेटिव हो चली ये बहुत जरूरी जी ये भाव अभ्यास करे सी तो धाम से ही धाम को सी प्राप्त हुए संस्कृत एक्चुअली धा शब्द अर्थ धरी रखा जो भी आनंद थाए धाम कह जाए। अच्छा ये जो सात नंबर श्लोक रु गोटे नुआ कनसेप्ट ये कौन कह जगत ये शेष है जगत रे रहिबे पॉजिटिवली लाइफ लीड करिवे किंतु जगत को छाड़े जगत को छाड़ी भगवत सत्ता उद्देश्य प्रवेश करिवे किंतु जगत को छाड़ू छाड़ू जगत रे बंचू बंचू
आपनको माइंड की ए भलिया तयारी करै दैथिबे जे से आपनको भगवान को नवा पई सहाय्य करिवो हो कि ना नै तुम जगतरा भलो ना खराब टेम्पररी ता टेम्पररी किंतु टेम्पररी के आपन ए भली व्यवहार करिवे से आपनको परमानेंट पई प्रिपेयर कर देला बुझि परछन नै तुम जे जगत रु पलायन करे सी आध्यात्मिक जगत रे प्रवेश करि परिवो नै प्लीज अंडरस्टैंड तनु लाइफ रे डोंट एस्केप फ्रॉम लाइफ ईश्वर जहानी आपन को सामना रे देले भगवान तुजे देयर इज ब्लेसिंग्स इन दिस गाइस आ पछरे निश्चित भाव रे कोन गोटे भगवान कर महत्व उद्देश्य ऊर्ध्व मूलम अधसाखम हम स्वामी जी करोड बही अछि पंचीवार कला आर्ट ऑफ लिविंग सेतरे से गोटे एग्जांपल दे छि जदि गोटे छुरी की नहीं साण पथर पाखे आम देखाए साण पथर टा कुंडा पथर खदड़ खदड़ तो प्लेन नहीं कुंडा पथर पाखे साण पथर छुरी की देखले से पथर छुरी की भांगी बुलू थाए ना छुरी की पजेवाई बुलू थाए से पथर भी छुरी धाड़ को लौटे दे पार से पथर भी लौटी जाइवा धार को तैयारी कर पार निर्भर करछि पत्थर उपरे ना छुरी पजौथिबा लोक को आंगल रे से छुरी की धरुछि लोक उपरे बुझि परछन ना ठीक सेमति जीवन रे तबेले प्रतिकूल परिस्थिति आसीबो अनुकूल परिस्थिति आसीबो समस्तनक जीवन रे आसीबो मनुष्यर जन्म होउछि मिश्र वासना किछि शुभ किछि अशुभ शुभ जोगु किछि अनुकूलता मिलिबो अशुभ जोगु किछि प्रतिकूल समस्त इनवेरिएबली मथरु आरंभ कर समस्त जे कहूछि मो जीवन रे किछि प्रतिकूलता नाही से निश्चित भाव रे पूरी लोक माने बह खालिया नले बापिया बुझिपारले ना निश्चित किंतु अनुकूल एवं प्रतिकूल आम सामना दे गति कला बेले आम आम हृदय रूप को छुरी की को आंगल रे रखिवा से अनुकूल वातावरण रे मन रे अहंकार न आसु बा प्रतिकूल वातावरण रे मन रे तिक्तता न आसु मन माने हृदय रे ये अनुकूल वातावरण रे मध्य मो हृदय शुद्ध हो एवं ये प्रतिकूल वातावरण रे मध्य हृदय शुद्ध ये होची आध्यात्मिक जीवन जगत रे रहू रहू आमे निजकु जगन्नाथंक पाई प्रिपेयर कले तेणु दिन सारा घरे रही निजकु जगन्नाथंक पाई प्रिपेयर करंतु जेतले संध्या बे जाईकि जगन्नाथंक भेटिबे ताले आपनको आनंद आसीबो नले घरे थिला बेले जगन्नाथ मन पड़े जगन्नाथ पाख पलैला बेले कौन मन पड़ो घर मन लाभ कौन ये सिद्धांत श्लोक रु जीवर तत्व कौन से विषय आलोचना करा दि मिनट टी ठाकुर श्लोक प्रवेश कर गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि
हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। वर्तमान 7 नंबर श्लोक पढ़ंतु। जीव विषय डिस्कशन करा। ममी वांसो जीवलोके आपण समस्त पढ़ुनांति खाली शुणुंट आपण पढ़ुना मुझे ये क्लास ये हूँ क्लास मुझे प्रवचन कहे ना मुझे टीचर मु पढ़ुची आपण मानक पढ़ेवाई प्रेरित कर गीता को चैप्टर वाइज बही कराई टेक्स्ट बुक भाया समस्त हाथ में गोटे बही धर पढ़ अध्ययन अध्ययन कले दी दी प्रवेश कर तेना अध्ययनशील जरूरी दी माने बुद्धि विचार कर मन में भाव बहुत सुड़ कह दी शरीर द्वारा जो कर्म करा जाए ताको श्रम कहा जाए चित्त द्वारा जो कर्म कर चिंतन कहा जाए चिंता कहा जाए मन द्वारा जो कर्म करा जाए मनन कहा जाए कि अध्ययन का साहाज्य करा जाए दी साहाज्य जो कर्म करा जाए ताको अध्ययन कहा जाए तेणु अध्ययनशील हवा बहुत जरूरी थिंकिंग एबिलिटी थॉटफुल हवा दरकार विचारशील तेणु दयाक पढ़ु तो समस्ते श्लोक आवृत्ति गुरु वेदांत ईश्वर ये ईश्वर ये हूँ व्यासपीठ गुरु ये वेदांत माने शास्त्र शास्त्र ऋषि एवं गुरु ये तीन टा निहाती जरूरी ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। एठी भी 10 नंबर श्लोक से कथा कहगला विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति जे विमूढ़ विमूढ़ माने मूढ़ एवं विमूढ़ तमने सेठी भी कहला अमूढ़ मूढ़ अमूढ़ एठी भी कहगला मूढ़ एवं कण विमूढ़ तेणु जी मूढ़ से भगवत सत्ता को देखी पारे नहीं। अच्छा कहीं विमूढ़ कहगला कह भी पारे मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन भगवान कहते हैं मम एव अंश एव एव माने एवं नुहे एव माने कौन केवल मो शरीर भीतर जो जीव अच्छी जहाँ को आम चेतन बोली कहचे बा साइंटिफिक लैंग्वेज आम जो लाइफ बोली कहचे लाइफ गोटे लिविंग ऑब्जेक्ट
तार गोटे लाइफ अच्छी ना नहीं लाइफ गच्छे तार गोटे लाइफ अच्छी पोकटे तार गोटे लाइफ अच्छी पक्षीटे तार गोटे लाइफ अच्छी पशुटे तार गोटे लाइफ अच्छी मु मनीषटे मोर भी गोटे लाइफ अच्छी ना नहीं लिविंग बिकॉज ऑफ लाइफ लिविंग टू लाइफ बाघर स्वभाव हिंस्र केयरफुल हरिणर स्वभाव कोमल दुईटा पशु हेले मध्य उभयंकर स्वभाव अलग अलग पशुर स्वभाव अलग पक्षीर स्वभाव अलग सेमिति पशु पक्षीर स्वभाव अलग गच्छर स्वभाव अलग गच्छ पशु पक्षी एमानक स्वभाव अलग मनीषर स्वभाव अलग प्रत्येक मनीष भितर भी स्वभाव अलग अलग किंतु गच्छ ठारु आरंभ करी केयरफुल मनीष पर्यंत समस्तंक भितरे लाइफ लाइफ चेतना ये अलग अलग ना गोटे गोटे गच्छर भी गोटे लाइफ अच्छी पशुर भी गोटे लाइफ अच्छी पक्षीर मध्य गोटे लाइफ अच्छी कीट पतंगर भी गोटे लाइफ अच्छी हाथीर लाइफ पिंपुड़ी लाइफ ये कौन हाथीर लाइफटा मूल्यवान पिंपुड़ी लाइफटा कम मूल्यवान हाथीर शरीरटा मूल्यवान बट लाइफ जहाँ जोगु से शरीर लिविंग जहाँ माइनस हो गले से शरीर कौन हो गला डेड हो गला गोटे धनीर लाइफ ताकि जो लाइफ फोर्स गरीबर लाइफ ज्ञानी भितर जो लाइफ अज्ञानी भितर जो लाइफ हिंस्र जंतु भितर लाइफ कोमल जंतु भितर लाइफ ए लाइफ तो समान आगना नहीं ये जो लाइफ जहाँ को आम जीव बोली टेक्निकाली कहगला अध्यात्म जगत रे चेतना बोली आम बुझे भगवान कहते ये कौटू आसला ये चेतना को किए सृष्टि कला वैज्ञानिक मान जोड़े जिनस को केमिकल मिसई दे गोटे चेतना सृष्टि हो बड़ बड़े कहना हम कर जोड़े जिनस को एकाठी मिसई कर लाइफ लाइफ इंजेक्शन लाइफ गोटे ना डेड बडी भर लाइफ इंजेक्शन दे मम एव अंश भगवान कहते मम मान ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीव विनाश आप शुणी तुलसी रामचरित मानस मम एव अंश जीव भूत जीव ही जीव लोके सनातन ये जीव लोक प्राणी जगत जहार लाइफ अच्छी गोटे हूँ जड़ आगे हूँ कौन लिविंग जिते लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भितर जी लाइफ है मैनिफेस्ट करुची सी कहार अंश कार भगवान कहते ये हूँ मोर अंश मम एव अंश जीव लोके जीव भूत जीव है जीव लोक सनातन मान सब अच्छी मन केयरफुल मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति से केयरफुल से जो लाइफ प्रकृति स्थानी प्रकृति स्थ प्रकृति ऊपर बसला जमी मु वर्तमान ये गद्दी ऊपर बसली मत कौन कह गद्दी स्थ आपण मैंने सब चेयर रे बस आपन कौन कह बड़ बड़े चेयर स्थ तेणु चेयर अलग चेयर स्थ व्यक्ति अलग ना एका बुझिपारे ना ना प्रकृति स्थ प्रकृति गोटे अलग जिन प्रकृति उपरे से लाइफ स्थ स्थ मान थ मान रही बुझिपारे स्थर अपभ्रंश है कौन है थ आप देखिए गड़जात अंचल ब्रह्मपुर कि अन्य सब जी इंटेरियर से थ थ थ थ बुझे आपण मैंने कहते था किंतु से मैंने कौन कहे कहे थ हे गोटे गाँवली थ कह मुझे ना ना से संस्कृत भूलिले तेनाली थ कहले तुम्हें आहरी डेरी भूल आगुरी भूल थे थे आ गोटे जोड़ा था
ସେଠି ଆହୁରି ଡେରିରେ ଯିଏ ବୁଲିଥିଲେ ସେ ଥାଉ ଥାଉ ଆହୁରି ଡେରିରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେନି। ତେଣୁ କେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ସଂସ୍କୃତକୁ କଲେ? ଥ କହିବା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତକୁ ବେଶୀ ଅପଭ୍ରଂଶ କଲା ନା ଥାନ୍ତୁ କହିବା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତକୁ ବେଶୀ ଅପଭ୍ରଂଶ କଲା? ବୁଝିପାରୁ ବାବା ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ଆଜି ଗାଁରେ ଲାଗି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନୋ ନୋ ଦେ ଆର୍ ମୋର ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆପଣ କ'ଣ ଯୋଉ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛି ଏ ମୋର ମେକାନିଜିମ୍ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନ ଏବଂ ମନକୁ ନେଇକରି ଷଷ୍ଠାଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ତାମାନେ ମନ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ କେତେ ହେଲା ଛଅ। ମନ ଯଦି ହେଲା ଷଷ୍ଠ ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେଣୁ ସେ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରକୃତିରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କଲା, ପ୍ରକୃତି ମାଇଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କଲା, ମାଇଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ହଁ କହୁଥିଲେ ନା ତାମାନେ ମୁଁ କହିଲେ ମୋର ପାଞ୍ଚଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ଲସ୍ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ମୋ ପ୍ରକୃତି ପ୍ଲସ୍ ଲାଇଫ୍, ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଜୀବ ଅଂଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ। ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପ୍ଲସ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ଲାଇଫ୍, ହଁ କି ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିବା, ବିଗ୍ରହ କରିବା, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ନା ମୋ ମୋ ଅଂଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ଜୀବ ଲାଇଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ତା ପ୍ରକୃତି ପ୍ଲସ୍ ତା ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ ନା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେ ବାଜୁତା ଅଛନ୍ତି ହେଲା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ମୋ କେୟାରଫୁଲ ପ୍ରକୃତି କୃତି ମାନେ କରାହେଇଛି ପ୍ର ମାନେ ପ୍ରକର୍ଷ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ କରାହେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଗଲା। ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରକୃତିକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରକୃତିରେ ତିଆରି କରାହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଇଭଳିଆ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ସିଏ କରାହେଇଛି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିମେଡ୍, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ମୋ ସାର୍ଟଟା ତିଆରି କରାହେଇଛି ତାହେଲେ ଟେଲର ତାକୁ ପୁଣି ଅଲ୍ଟର କରିଦେଇପାରିବ, ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ମୋ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଛି, ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ମୋତେ ଲାଲ ଫୁଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କାହାକୁ ଧଳା ଫୁଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ରକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବିଷୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ, ହଁ କି ନା ନାଇଁ? ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି କାହା ଅନୁସାରେ? କାହା ଅନୁସାରେ? ମୋ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ମୋ ମନ ତିଆରି ହେଲା, ମୋ ମନ ଅନୁସାରେ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ତିଆରି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ନିଜସ୍ୱ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ତିଆରି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତିଆରି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ। ଇଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଆସିଲା? ଆପଣଙ୍କ କେବେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନା, ଅନାଦି ସନାତନ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରକୃତି ଅଲଗା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଠି ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଅଲଗା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କାମ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ କରିବ। ଏଠି ମନ କହିବାର ଅର୍ଥ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ସବୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ମୋ ମନଙ୍କର ମୋର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଏ ପ୍ରକୃତି, ଆପଣଙ୍କର ବି ପ୍ରକୃତି, ଜଣଙ୍କର ସି ପ୍ରକୃତି, ଜଣଙ୍କର ଡି ପ୍ରକୃତି, ଇଏ ଏ ବି ସି ଡି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକୃତି ହେଲେ ବି, ଏ ବି ସି ଡି ଅଲଗା ଅଲଗା ମନ ହେଲେ ବି, ଏ ବି ସି ଡି ଅଲଗା ଅଲଗା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଲାଇଫ୍
मम अंश ये अलग अलग नायिका बड़ बड़े ताकू के भी बुलिबे ना जिम द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस गोटे हीटर तैयारी हला गोटे फ्रिज तैयारी हला से हीटर टा से अनुसार तैयारी है छि जे ता भीतर करंट पास करले तो हीटिंग इफेक्ट आसीबो तुम जो हीट आसुची से करंट जो आसुची ना जो मेकानिकल इंस्ट्रूमेंट जो खंजाय छि ता जो आसुची बुझि पाले ना नहीं फ्रिज भाव मेकानिजम करंट पास थंडा इफेक्ट थंडा इफेक्ट गरम इफेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी दाई नो किए से जो मेकानिजम जो मेकानिजम जो जंत्र सी दाई किंतु से फ्रिज जंत्र चलने भी करंट जरूरी एवं हीटर जंत्र चलने भी करंट जरूरी मोर हूँ तामसिक प्रकृति मो मन तामसिक है मो इंद्रिय माने तामसिक जिनस भल पाइले आपणकर राजसिक प्रकृति आपणक मन राजसिक है आपणक इंद्रिय माने राजसिक जिनस भल पाइले आउ कहार मन प्रकृति सात्विक तार मन गुड़ाक सात्विक है तार इंद्रिय माने सात्विक जिनस भल पाइले किंतु तामसिक प्रकृति की जीवंत करवाई राजसिक प्रकृति की जीवंत सात्विक प्रकृति की जीवंत लाइफ 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 ये तीन टा हवा दरकार ना गोटे हवा दरकार गोटे मम एव अंश गोटे अंश जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति कर्षति माने प्रेरित करे प्रकर्षित शब्द अर्थ दुईटा गोटे हूँ प्रेरण भी करवा किंतु भूमि कर्षण करुचे आ गोटे हूँ आकर्षण भी करवा बुझेगा तेणु जिते बड़े कहते मुने मो शरीर मो इंद्रिय मो मन मो प्रकृति ता पछरे थिबा लाइफ भगवान अंश हाँ कि ना नहीं से लोकटा मान किए ता हाँ प्रथम कौटे सामना कर ता शरीर ता इंद्रिय ता मन ता प्रकृति एवं ता भीतर थिबा हाँ लाइफ भगवान अंश गोटे कुकुर गोटे बाघ कुकुरर शरीर कुकुरर इंद्रिय कुकुरर इंद्रिय विष्ठा खाइबा को भल पाए जीव बुझिपारे ना ना आपणकर जीव रसगोला खाया को भल पाए आपण इंद्रिय जदि कुकुर सामने विष्ठा रखा रसगोला रखा से क्या चूज कर कहीं इंद्रिय ता बुद्धि ता प्रकृति से अनुसार या ना मुझे चूज करी ना तेणु बाघर शरीर बाघर इंद्रिय बाघर मन बाघर प्रकृति बाघर निजस्व कुकुरर शरीर कुकुरर इंद्रिय कुकुरर मन कुकुरर प्रकृति कुकुरर निजस्व किंतु उभय जंत्र भितरे जो लाइफ जो मम एव अंश माने ईश्वरंकर अंश जो चेतना प्रकाश पाऊ जीवंत करुची आकु भी जीवंत करुची ये दुईटा अलग ना एका महापुरुष माने बुझिले ना नाई बुझिपार ना नहीं कतटा है आम शरीर हाँ बड़े बड़े कहतु तापर कौन इंद्रिय तापर मन तापर प्रकृति तापर लाइफ बुझिपारे ना नहीं आउ थे एपट आड़ गले आगे लाइफ तापर बड़े बड़े कहना प्रकृति प्रकृति तापरे मन तापरे इंद्रिय तापरे शरीर शरीर को देखकर से मैनिफेस्ट कर मरी गला बेले डेड समय रे खाली शरीर टा पड़ा हाँ कि ना ना ये सब ये शरीर आपण के इंद्रिय आपण को मन आपण को प्रकृति लाइफ गोटे शरीर रु आ गोटे शरीर को ट्रांसफर होला हाँ कि ना ना बुझिपार ना ना
वेदांतरे ये शरीर को कहा जाए स्थूल शरीर, ये इंद्रिय, ये मन को कहा जाए सूक्ष्म शरीर, ये प्रकृति को कहा जाए कारण शरीर। यदि आपण एते बुझिवा मन रखिवा को अवश्य कष्ट होचे मन रखंत तमने खाली आपणकर फिजिकल बॉडीटा ड्रॉप डाउन एवं पंच महाभूत माटी मिसिकरी माटी हे गला, बाकी आपणकर क्षमता इंद्रिय सेथिपई गोटे पिला जन्म हो बहुत एक्टिव बहुत चंचल, आ गोटे पिला जन्म मे डल है कहीं तार इंद्रिय क्षमता बहुत डल, तार प्राण शक्ति बहुत डल। जने जन्म हो ता मन बहुत पॉजिटिव, आ जने जन्म हो माइंड बहुत नेगेटिव, कहीं ता प्रकृति से बुझीपार ना नहीं बुझे आउे मन पक शरीर पचुक पड़े इंद्रिय मन प्रकृति लाइफ है। भगवान कहते जदि अर्जुन तु ये बुझीगलु तापर हूँ शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। शरीर मुझे वर्तमान कले शरीरम यद अवाप्नोति जेते बेले जने गोटे नुआ शरीर को प्राप्त हुए अवाप्नोति यच्चपि उत्क्रामति जेते बेले गोटे शरीर रु बाहर करी चली जाए किए ना ईश्वर, जो ईश्वर शब्द अर्थ होची ईश्वरंकर अंश ता भीतर अछि ना, तेणु जो ईश्वरंकर अंश आ भीतर अछि जहाँ आम लाइफ बोली कहचे जीव भूत जीव हेची किंतु ता भीतर ईश्वरंकर अंश अछि ना नष्ट हो गला। यदि ईश्वर आनंद स्वरूप ए लाइफ रे आनंद लुचिक अच्छी ना नहीं, यदि ईश्वर शांत स्वरूप से लाइफ रे शांति अच्छी ना नहीं, यदि ईश्वर सर्वगुण संपन्न से लाइफ रे सर्वगुण लुचिक अच्छी ना नहीं, दया क्षमा करुणा स्नेह श्रद्धा भल पाइबा सब अच्छी ना नहीं, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान से लाइफ भितर पारिवा पणिया अच्छी ना नहीं, कहीं अंश कहले कौन जी एड बड़ मिस्त्री टा मीठा एड़ी टी चीनी आने से मीठा लगे ना कटा लगे मीठा तो लगे निश्चित भाव समुद्र पानी टोपे आने लुणिया लगे ना ना तेणु ईश्वर जहा जहा गुण अच्छी ये जीव भितर अल्प हेले सी अंश अच्छी ना ना बुझे ना ना जिते बच्ची उत्क्रामती जिते बड़े शरीर रु जाए आउ गोटे नुआ शरीर को अभाव नती नुआ शरीर को ग्रहण करे सेते बले कौन मेकानिजम हुए ना ईश्वर ईश्वर माने ईश्वर अंश जो आम भितर रहिला गृहीत्वा एतानि संयाति एतानि गृहीत्वा एतानि कहले का का ए गुडा को गुडा को कतरा जिनस चारटा जिनस मु शरीर ऐड करछि भगवान शरीर ऐड करिना भगवान कौन कहते प्रकृति स्थानी मन षष्ठानी इंद्रियाणी कतरा जिनस नहीं जाए प्रकृति मन एवं इंद्रिय ये एतानी गृहीत्वा ये जो ईश्वर अंश बा जीव बा लाइफ प्रकृति की हाँ मन को हाँ इंद्रिय क्षमता आप देखिए से पिला जन्म हो तबला बजेगा से इंटेलिजेंस आसला कौट से जन्म हो सुंदर गीत बोलो गीत बोलार क्षमता आसला कौट ये सब गुड़ाक नहीं गृहीतानी संयाति से जाए केमिति एग्जांपल वायु गंधान आशयात गोटे आशय रु आशय मान गोटे स्थल स्थान रु वायु जमी गंध को लेकर जाए सी सेमती नहीं जाए मान गोटे फुलटे फुलर पाखुड़ा फुलर पाखुड़ा हूँ गंधर आशय आशय मान स्थान फुल रे गंध अच्छी
तेणु फूल ता स्थान वायु बोहिला बेले से गंध को बहन कर फूल को लेकर जाए जेमती फूल ता स्थान पड़ी रुहे वायु फूल उपर थिबा गंध को बहन कर जाए फूलटा स्थूल गंधटा सूक्ष्म ठीक से भली भाव ये शरीर हूँ फूल ये शरीर से स्थूल होकर पड़ी रुहे ये लाइफ एतानी गृहित्वा एतानी माने प्रकृति मन इंद्रिय सूक्ष्म सब क्षमता को गंध भली बहन करी संयाति से नहींक्री जाए कौटी की ना आउ गोटे शरीर भितर पुणी नहींक्र प्रवेश कराए बुझिपारे ना नहीं तमाने ये शरीर थिला बेले आपण जो भलिया मनटे तयारी करिवे आउ ये शरीर पाइला बेले एग्जैक्ट सही मन ये शरीर थिला बेले आपण इंद्रिय को जेमति तयारी करिवे आउ गोटे शरीर पाइला बेले सही इंद्रिय इंद्रिय माने सही आखि नुहे इंद्रिय क्षमता आखि अलग पावर ऑफ सीइंग देखिबार क्षमता अलग ना ने बहुत लोक रिटायरमेंट परे जानी सुनी जड़ हो जाते हाँ आम कर सका उठिक खाली न्यूज पेपर पढ़ तीन थर चार थर सी जानी सुनी निजर आक्टिविटी की डल कर दिखते हाँ ना ना कहीं मरवा पर्यटन आप आक्टिव रोना फल इंद्रिय आक्टिव तेनाली तो बुढ़ा मैंने जो मैंने मरवे जदि सी जन्म हेल्ले मेदा छुआ कर जन्म कहीं सी तो तार रिटायर्ड है षाठी वर्ष देखु जन रिटायर्ड हूँ षाठी वर्ष मरुच्च नाइंटी इयर्स के वर्ष रही थर्टी इयर्स यदि तीस वर्ष काल सी कम न कर सब इंद्रिय को मान यूटिलाइज न कर आक्टिवेट न कर सी इंद्रिय दिनक दिन डल हो से भाया यदि गोटे गोटे छुआ हो जन्म सहित डल इंद्रिय नहीं जन्म हो तो आक्टिवेट करने से समय लगे हाँ कम से कम तो हाँ इंद्रिय तो आक्टिव रहा प्रकृति नेगेटिव सी कहते आक्सीडेट टोकाटा मरी जा कम से कम तो इंद्रिय तो आक्टिव अच्छी प्रकृति नेगेटिव हो पारे मन नेगेटिव हो पारे कि इंद्रिय तो कम से कम आक्टिव अच्छे बुझिपारे ना ना अच्छा गृहित संयाति वायु गंधानी व आशया श्रोत्र चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते आउ गोटे कहगला मेकानिजम आपण जिते फुलटा को देखुं सपोज ये गोटे बोतल ये बोतल को जिते मुझे देखुची ये बोतल को देखला बेले मो आखि कम करुची ना ना आखि कम करुची माने ता पछरे मनटा कम करुची ना नाई मन कम करुची माने ता पछरे प्रकृति कम करुची ना नाई प्रकृति कम करुची माने ता पछरे लाइफ फंक्शनल ना लाइफ डेड कौन बुझी पार ना ना ये कथा कहला श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च ये पांचटा इंद्रिय श्रोत्रम छुईवार क्षमता चक्षु देखिवार क्षमता सॉरी श्रोत्र ला सुनिवार क्षमता सॉरी सॉरी चक्षु होची देखिवार क्षमता स्पर्शनम छुईवार क्षमता रसनम चखिवार क्षमता ग्राणम अग्राण सुंगीवार क्षमता मनस अयम अयम माने अयम लाइफ अयम माने एई जो लाइफ एई जो जीव ईश्वरंकर अंश अयम मनश्च अधिष्ठाय मन उपरे अधिष्ठान करी ये पांचटा इंद्रिय मानक द्वारा विषयान विषय मानकु उपसेवते विषय मानकु ग्रहण करे ये गोटे मेकानिज मु जेते बेले रूपटे देखुची
ମୋ ଆଖି କାମ କରୁଛି, ଆଖି ପଛରେ ମନ କାମ କରୁଛି, ମନ ପଛରେ ମୋ ପ୍ରକୃତି କାମ କରୁଛି, ଇଏ ସବୁ ଫଙ୍କସନାଲ ହେଉଛି। ମାନେ ଲାଇଫ ବି ତା ପଛରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ଲାଇଫ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି? ତେଣୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ମାନଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଇଏ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ମାନେ ମୋ କାନ ଫଙ୍କସନାଲ ନା ନନ୍ ଫଙ୍କସନାଲ? କାନ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଶୁଣୁଛି ମାନେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ୟାକୁ ରିସିଭ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ରିସିଭ୍ କରୁଛି ମାନେ ମୋ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ, ଯଦି ମୋର ପଜିଟିଭ ପ୍ରକୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଶବ୍ଦ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଅଲଗା ସ୍ପିରିଟରେ ଅଛି। ମୋ ପ୍ରକୃତି ପଜିଟିଭ ଅଛି ବୋଲି ଇଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ସାଉଣ୍ଡ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରକୃତି ଯଦି ନେଗେଟିଭ ହେଇଯିବ, ଏ ବାଜେ ଲୋକଗୁଡ଼ା କି ଘୋ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ରିଜେକ୍ଟ କରିବ, ହଁ କି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ମୋ ମନ ଅଛି, ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ସହିତ କାନ, କାନ ପଛରେ ମନ, ମନ ପଛରେ ପ୍ରକୃତି, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସାଉଣ୍ଡଟା ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ହଁ କି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଲାଇଫ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଦେୟାର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଇଏ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏ ଚାପ୍ଟରରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେନି? ମେଡିଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ?